तो मैंने प्रश्न किया था कि श्री कृष्ण की राधा है ये तो बात सच है, जैसे मेरी आंख है ये बात तो सच है, लेकिन मेरी लगती क्या है, ये कोई खून का संबंध है? बोलो, इस आंख से मेरा कोई खून का संबंध है? अरे खून का ही संबंध है और कोई संबंध नहीं। अब इनका रिश्ता क्या है परस्पर, अब सुनो क्या रिश्ता है। अच्छा मुझको ये बताओ, माता सब एक दिन दुल्हन बनी थी ना, सब बनी थी, तुम लोग दूल्हा बने थे एक दिन, आज हो नहीं हो? अच्छा दूल्हा बनने से पहले भी दूल्हा थे? नहीं थे। कितने दिन दूल्हा बने रहे? एक दिन। तुम क्या दांत फाड़ रहे हो, तुम भी एक ही दिन बनी रही हो। उनका मजाक कर रहे बेचारों। अच्छा एक दिन तुम दुल्हन बनी, उसके बाद फिर क्या? उसके बाद बन गई पत्नी, पता ही नहीं। दुल्हन बनी एक दिन, उसके बाद कौन? पत्नी। अब जब दुल्हन तुम नहीं थी, फिर प्यार था दोनों में, उस समय तुम पत्नी थी, दुल्हन थी उनकी? नहीं थी। तो कौन थी? शादी से दुल्हन बनने से पहले भी तुम उनकी कुछ थी, दुल्हन बन के भी उनकी कुछ हो, और दुल्हन बनने के बाद भी उनकी कुछ हो, लेकिन तीन रिश्ते अलग अलग हैं। दुल्हन बनने के बाद क्या बनी? पत्नी बन गई, दुल्हन खत्म। तुमने खुद कहा एक दिन के लिए बनी थी, उसके बाद दुल्हन नहीं रही। तो पहले तुम, अब उनकी क्या बन गई? पत्नी। और एक दिन के लिए क्या बनी थी? दुल्हन। और दुल्हन बनने से पहले क्या थी जो प्यार चल रहा था? कौन थी उस समय? दुल्हन थी उस समय, कौन थी तुम? बोलो, प्रेमिका थी। तुम कौन थी पहले? प्रेमिका। और जब बन गई दुल्हन, फिर कौन क्या बन गई? दुल्हन। और फिर कौन बन गई? पत्नी। समझ गए बात को? तो तुम पहले भी उनकी थी, दुल्हन के समय भी उन्हीं की थी, और बाद में भी उन्हीं के लेकर रिश्ते तीन हो गए। पहले थी उनकी प्रियतमा, फिर बन गई उनकी दुल्हन एक दिन के लिए बस, और फिर बन गई उनकी पत्नी। और आजकल तो दुखी होकर कहता, अच्छा मेरी मां। अब राधा कृष्ण की बात सुन लो। राधा कृष्ण, अब सुन लो बात, तीन बातें मैंने आप लोगों की बता दी, तीन रिश्ते। अच्छा ये बताओ, जब तुम दुल्हन थी एक दिन के लिए, क्या उस समय परस्पर कोई काम वासना के संबंध था? नहीं था। कोई मन में विकार था? नहीं था। कोई शारीरिक संबंध? नहीं। पत्नी की तरह नहीं थी, और नहीं प्रेमिका की तरह चोरी चोरी से मिलते थे, मिलते हैं अब दुल्हन बन के, सबके बीच में मिल रहे हैं, सामने कैमरे लगे हैं, और हाथ पकड़ के वो तुमको मंच पे चढ़ा रहा है, बगल में बैठ के कंधे पे हाथ डाल के फोटो खिंचवा रहा है। क्यों? ये दूल्हा दुल्हन के लिए तो छूटा है, लेकिन जब वो दूल्हा दुल्हन नहीं, तब नहीं छू सकते, तब अपराध है, दोष है। चोरी चोरी से मिलते हो और दूल्हा दुल्हन सरेआम माइक सामने दुनिया खड़ी है और फोटो खिंचवा रहे, नहीं है लोक लज्जा शर्म? क्यों नहीं है? क्योंकि यहां शर्म वाली बात नहीं, शर्म वाली बात पहले है, पहले पाप है और बाद में शर्म है। पहले शर्म और पाप दोनों है, और बाद में मिलते हो पति पत्नी, पाप तो नहीं लेकिन शर्म है, लोक लज्जा है। परस्पर दोनों में लज्जा नहीं लेकिन लोक लज्जा है समाज की, इसलिए छिप कर मिलते हो। पति पत्नी भी छिपके मिलते हैं और प्रिया प्रियतम भी छिपके मिलते हैं। पहले मिलन में मन में खुद भी पाप होता है और देखने वालों के मन में भी पाप होता है, अरे कैसे बेशर्म है। लेकिन पति पत्नी प्रेम से मिले तो कोई दोष नहीं। अब तीन रिश्ते हो गए, लेकिन एक ऐसा बीच वाला रिश्ता है एक दिन के लिए, जो तुम दुल्हन बनती हो उस समय ना तुम्हारे वो लवर है, ना तुम उनकी लवर हो, ना वो तुम्हारे पति है, ना तुम उनकी पत्नी हो। अभी तो कन्यादान भी नहीं हुआ, अभी तो कुछ भी नहीं लगती, लेकिन लगती हो। क्या लगती हो?
दुल्हन लगती हो, और दुल्हन में जितना प्यार है और दुल्हन जितनी लाडली होती है सबकी, उतना तुम कभी आज तक लाडली नहीं हुई। और दुल्हा भी जितना लाडला होता है, दुल्हन तो इतनी लाडली होती है कि चलने भी नहीं देते, ऐसे पकड़ के ले जाते हैं जैसे कि लकवा मारा है, नहीं, और ऐसा सर झुका के चलती है, और ऐसे एकदम जैसे कि बस बीमारी से उठी आई है बस, और इतना अपने हाथों से खाने ही नहीं देते, अपने हाथों से खिलाते हैं, मुंह में डालते हैं, इतना लाडली कोई हो सकती है? दुल्हन और दुल्हा ही इतने लाडले और लाडली हैं। तो हमारी किशोरी जी लाडली हैं, वो हमारे ठाकुर जी लाडले हैं, ये दोनों दुल्हा दुल्हन हैं। तुम लोग तो एक दिन के लिए दुल्हा दुल्हन बने हैं, लेकिन मेरे प्रिया प्रीतम तो अनादि काल से अनंत काल तक ये दुल्हा दुल्हन ही हैं, थे और रहेंगे। वृंदावन मकरंद है भ्रमर करत रसपान, दुल्हन प्यारी राधिका दुल्हा श्याम सुजान। राधा रानी कौन है? ये कृष्ण की पत्नी नहीं है, ना कृष्ण की प्रेमिका है, कौन है? उनकी दुल्हन है। और आपको पता है दुल्हा दुल्हन जब मिलते हैं उसमें वहां सालियां होती हैं, अनेक प्रकार के हंसी मजाक होते हैं, समझ गए बात को? लेकिन जहां दुल्हा दुल्हन के खेल होते हैं ना, वहां पर केवल सालियां ही होती हैं, दुल्हा का कोई दोस्त नहीं होता उस कमरे में। सालियां हंसी मजाक करेंगी, क्या क्या खेल होते हैं, रीति रिवाज। इसलिए राधा कृष्ण का जो दुल्हा दुल्हन का रूप है उसमें पुरुषों की एंट्री नहीं है, उसमें तो शंकर जी भी जाएंगे तो एक दिन वो भोला भंडारी बनकर सुंदर नारी, वो भी राधा रानी की सखी बनकर एंट्री करेंगे, क्योंकि इस दुल्हा दुल्हन की लीलाओं में केवल सखियों का प्रवेश है, पुरुषों की नो एंट्री। पुरुष जा सकते हैं, शंकर जी भी गए, लेकिन सखी बनकर के, भेष सखी का जरूरी नहीं, भाव सखी का। प्रात काल ही उठ के धार सखी को भाव, जाए मिले निज रूप सो या को यही उपाव। इसी उपाय से राधा रानी के चरणों तक पहुंचा जा सकता है। और सुप्रीम पावर परमात्मा को भी जो नचाने की शक्ति रखती हुए राधा रानी, वो हमारी किशोरी, हमारी लाडली, हम उनकी सब आत्माएं सखी है। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला, यहाँ ऋषि मुनि गए हार, भजे जा राधे राधे राधे।